बेलतरुड़ी अंतर्गत एक हत्या का मामला उजागर हुआ है, जहां धारदार शस्त्र से मृतक को उसके ही दोस्तों ने मौत के घाट उतारा, किंतु हत्या का कारण अभी तक अनजान है। दरअसल दिनांक 18 फरवरी के दिन मृतक एल देवनतान 26 वर्षीय अपने मनीष नगर अग्निरत संकुल स्थित रूम पर अपने अवकाश का आनंद लेते हुए नशा कर रहा था। वही शाम को उसका रूममेट पवन हलवाई 25 वर्षीय रूम पर आया और वह भी साथ में शराब पीने लगा। गौरतलब है कि मृतक हेक्सावियर कंपनी में अभियंता का काम करता है, जिसके नीचे उसके दोस्त पवन समेत गौरव चंदेल काम करते हैं। बहरहाल घटना के दिन मृतक एल देवनतान को अवकाश था, जिसके चलते वह एंजॉयमेंट के लिए नशा कर रहा था। शाम को पवन भी जॉब से वापस आया और उसने भी मृतक को ज्वाइन किया। उसी बीच सुबह लगभग 5:30 बजे दोनों का दोस्त गौरव चंदेल 25 वर्षीय फ्लैट पर आया, जहां आशंका जताई जा रही है कि तीनों के बीच विवाद हुआ हो, लेकिन चित्र अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों ने अचानक से एम्बुलेंस बुलाई और सर पर मार लगने की बात बताकर मृतक को भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान एल देवनतान 26 वर्षीय की मौत हो गई। लेकिन शव विच्छेदन की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मृतक की चाकू या किसी धारदार शस्त्र से हत्या की गई है, जिसकी बिना पर गौरव और पवन को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तीन दोस्त थे, वो एक साथ में रहते थे और इससे पहले उनकी कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी या पुलिस के बाद कभी आए भी नहीं थे इनके बारे में। और जब ये घटना हुई, वो रात को ये घटना हुई है, दो दोस्त हैं, उन्होंने मिल के एक तीसरा जो उनका दोस्त था उसका मर्डर किया है। इनफैक्ट ये जब इंजर्ड हुआ तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में भी उन्होंने गलत बताया, जो अभी मैं आपके कैमरा के सामने नहीं बता सकता। तो इस तरह की चीज़ है, वो एक ही साथ में रहते थे, उनके बीच में ऐसे पहले कभी कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ था और एकदम सीधा जो है इस तरह की घटना हुई है, तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।